हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जयसुपर कौर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों दो दिन पहले जो मैंने आपसे अपने दिल की बातें शेयर करी थी यूट्यूब पे, उसमें मैंने कुछ बात करी थी फेशियल हेयर रिमूव करने वाली, जिसमें मैंने बोला था कि हाँ बेसन वगैरह से बाल वगैरह नहीं रिमूव होते फेस के हेयर, विच इज़ ट्रू, क्योंकि बेसन को आप किसी भी चीज़ में घोल लीजिए, बेसन दही मिला लीजिए, बेसन में सरसों का तेल, वो आपके बालों जो छोटे छोटे रोए होते हैं उनको रिमूव करता है, स्पेशली बेबी स्किन पे। और मेरे पास यार टीनेज स्किन के रूटीन के लिए बेशुमार मैसेजेस आ रहे थे, तो आज मैं दो तीन चीज़ें लेकर आई हूँ, वो आगे आपको पता चलेगा वीडियो में। लेकिन मेन तवज्जो जो मेरा रहेगा, मेन स्ट्रेस मेरा जो रहेगा, चीज़ मेन चीज़ जो होगी आज के वीडियो में, वो है एवरयूथ के ये जो पील ऑफ्स आते हैं, एक ऑरेंज पील ऑफ मास्क आता है और एक आता है ये गोल्डन ग्लो वाला पील ऑफ मास्क। तो इन दोनों की, सॉरी मेरे नेल्स अभी नेल पेंट बहुत बुरा हाल है, तो इन दोनों पर आज हम बात करेंगे। बिकॉज काफ़ी सारे टीनेजर्स मुझसे पूछते हैं कि जयसुपर कौर, हमको, वी आर टीनेजर्स, हम लोग 14 के हैं, 15, 18, 16, 17, वट एवर, तो हम लोगों को पील ऑफ यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आप पील ऑफ, आपके बिल्कुल फेशियल हेयर बहुत कम हैं और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्किन जो है, आप CTM करते हो, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, तब आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, महीने में एक बार मुश्किल से कर लिया। बट अगर आपके फेशियल हेयर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हफ्ते में एक बार इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा पुलिंग भी आपने अपनी स्किन पे नहीं करनी, इसीलिए मैं वैक्सिंग, बिल्कुल वैक्सिंग के खिलाफ हूँ। पील ऑफ है स्पेशली अगर मैं ऑरेंज वाले वेरियंट की बात करूँ, तो ये इट्स लाइक अ होम फेशियल एंड आई टोटली अग्री, और साथ में फाइट्स टैन। अब गर्मियाँ आ रही हैं, धूप में जाते हैं तो यार स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, कहीं भी जाओ, टैनिंग तो होनी है, जो सूरज चाचू है ना वो तो अपना जो इफेक्ट आपकी स्किन पे कर ही रहे हैं, तो उसके लिए ये टैनिंग को करेगा, बिकॉज ऑरेंज है, ऑरेंज इज अ वेरी वेरी गुड इंग्रेडिएंट इन फाइटिंग टैन, ऑरेंज विटामिन सी जो बेसिकली होता है। और इसका एक गोल्डन ग्लो पील ऑफ भी आता है, जो अगेन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एक्चुअली ये मेरा फेवरेट है, ये मैंने पहले भी यूज कर रखा है वीडियो में, और ये बिल्कुल छोटा पैक है, ये जस्ट गेस कितने रुपीस का, दिस इज जस्ट फॉर 45 रुपीज। अभी ज्यादा बात नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दोस्तों अभी मैं आपको डेमो दिखाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। ये सबसे पहले क्लेंजिंग हम करते हैं, तो एवरयूथ का ये प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश है, ये 95 रुपीज का है, 95 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आई थिंक purple.com पे इस टाइम पे अप टू 25%, तकरीबन 25% तक का डिस्काउंट चल रहा है, किसी पे कुछ किसी पे कुछ। साथ में आप मेरा कोड यूज करेंगे जयसुपर कौर, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी। अब मैं थोड़ी सी आलसी हूँ दोस्तों, तो मैं क्लेंजिंग में क्या करती हूँ, जो फेस वॉश होता है साथ में एक्सफोलिएटिंग स्क्रब होता है, दोनों इकट्ठे यूज कर लेती हूँ। और ये नीम पपाया स्क्रब है, बहुत ही बढ़िया काम करेगा, बिकॉज टीनेजर्स को एक्ने और पिंपल्स की शिकायत रहती है, तो वो नीम पपाया स्क्रब टैनिंग भी दूर करेगा, दोनों के लिए अच्छा है। नहीं तो आप ये एप्रिकॉट वाला स्क्रब, वॉलनट एप्रिकॉट स्क्रब भी यूज कर सकते हैं। पैक में ये क्यूकम्बर एलोवेरा फेस पैक है। मैं दोस्तों टीनेज नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में शेयर करूंगी, अगर देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने पील ऑफ की तरफ। तो दोस्तों मैं एक खाली बोल ले रही हूँ और उसमें मैं एक चम्मच के करीब इस तरह से ये पील ऑफ फेशियल पील ऑफ जो है एवरयूथ का, ये डाल लूंगी। मैंने दोस्तों ऑरेंज वाला डाला है डी टैनिंग के लिए, कि अब जो इतनी ज्यादा टैनिंग हो जाती है, इसमें फिर मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ लूंगी, ठीक है। साथ में दोस्तों इसमें मैं एक चुटकी हल्दी डाल दूंगी इस तरह से, ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों मैंने हल्दी और नींबू टीनेजर्स के लिए जान के डाला है, क्योंकि नींबू से इसका जो इफेक्ट है और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, तो कोई दानों का या उस तरह का एलर्जी का कोई डर नहीं, तो थोड़ा सा आप ये ले लेंगे। और अभी मैं सिर्फ एक चीक पर आपको कर दिखा रही हूँ, यहाँ पे मेरे अपर लिप्स भी हैं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो यू गाइज नो। और एक इवन लेयर आप अपने फेस पे लगा लेंगे, पूरा डर्ट पुल आउट कर देगी, ब्लैक हेड्स हटा देगी। मैं ये नहीं कहती कि अपर लिप्स हैं तो अपर लिप्स ठीक हो जाएंगे, मतलब अपर लिप्स निकल जाएंगे, पूरे लंबे लंबे बाल निकल जाएंगे, नहीं वो तो नहीं होगा, बट छोटे छोटे रोए जो हैं वो 100% निकल जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि जेलेटिन से बिल्कुल फायदा नहीं होता, 1% मैं लिख के देती हूँ, मैं ओपन चैलेंज कर रही हूँ जेलेटिन से, जो आपको यूट्यूब पर बोल रहा है भाई जेलेटिन से बाल उतरते हैं, जेलेटिन से बाल नहीं उतरते, वो बहुत सॉफ्ट होता है और उतना मजे से निकलता भी नहीं है। मैंने ट्राई करा है, मे बी उन पे हुआ हो, अब मैं पॉलिटिकली करेक्ट हो जाती हूँ इससे पहले कि लोग उल्टा सीधा बोलें, तो मे बी उन पे काम किया हो, जो ग्लो है हल्दी वगैरह और जो एवरयूथ के ऑलरेडी फेशियल में वो ग्लो आ जाएगा, और साथ में ये पुल ऑफ करेगा तो छोटे छोटे रोए भी उतर जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बट
इसको अब मैं एटलीस्ट आई थिंक 5 to 10 minutes की थोड़ा सा पोर्शन है सामने, एसी चल रहा है तो ये 10 मिनट में ड्राई आउट हो जाएगा, नहीं तो 15 मिनट्स तो लगते हैं। कि ड्राई हो रहा था मैं इंस्टाग्राम पे लाइव चली गई थी, आप लोग jsuper.kaur पे इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करो। और अब ये ड्राई हो गया है, अब मैं इसको आराम से पील आउट पील ऑफ कर सकती हूँ। कुछ लोग कहते हैं इसमें पेन होती है, अब यार कुछ पेन नहीं होती, कोई दर्द नहीं होती तो, बट हल्का हल्का जैसे ऑब्वियसली जो छोटे छोटे बिल्कुल रोए नहीं होते बालों के, वो थोड़े से ना इसके साथ निकल आते हैं और डर्ट निकल आता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या जो भी आपकी डेड स्किन होती है ना वो निकल आती है। तो अभी यहाँ का थोड़ा सा ड्राई नहीं हुआ है, इसकी मैं थोड़ी सी और वेट करूँगी एंड देन मैं आप लोगों को मिलती हूँ। बट येस इतना, ओ माई गॉड, इस पर मैं एक्चुअली ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स देख सकती हूँ। रुक जाओ, आधी तो लिपस्टिक ही लग गई है, रुक जाओ, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आई वुड रियली बी हैप्पी। इनफैक्ट छोटे छोटे बाल भी दिख रहे हैं यार, काश दिख जाए कैमरा में। रुक जाओ, फोकस करती हूँ, सो फोकस ही नहीं हो रहा। सो आई होप आपको इसमें जो मैंने पील ऑफ किया है, इसमें बड़े बाल जैसे मेरे अपर लिप्स या इस तरह से चिन पे बाल हैं वो नहीं आए, वो कभी भी नहीं आएंगे ऐसे इससे, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे, आई होप, आई रियली होप आपको दिख रहे हो, छोटे छोटे बिल्कुल रोएं जो है निकल आए हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स तो नहीं है मुझे, बट वाइट हेड्स छोटे छोटे निकल आए हैं एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और मुझे अभी अभी पता चला मैं फोकस नहीं हूँ, रुक जाओ यार, किसी पेन हो रही है, मतलब वो टिंगलिंग सी सेंसेशन हो रही है। इसको भी ये आराम से निकल आया, वाह, एंड यस ग्लो, आई मीन आप खुद देख के बताओगे। अब ये देखो बाल रोए निकले हैं थोड़े थोड़े हल्के से, और वाइट हेड्स और डर्ट वगैरह तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। कोई भी इसमें जो ये मेरी मुच्छी आ रही है ये बिल्कुल भी नहीं हटी, लंबे लंबे बाल ये नहीं जाते, बट डेफिनेटली आई वुड से कि जो रोए हैं वो उतर जाते हैं और एक ग्लो जरूर आता है, तो एक तरह से फेशियल टाइप हो गया। तो टीनेजर्स जितने मेरी प्यारी जनता देख रही है, लड़का हो या लड़की, मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ, वो डेफिनेटली आप इतना तो इसको यूज़ कर सकते हो, 45 रुपीज का है, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार आप कर सकते हो, और हफ्ता भी नहीं, अगर आपको ज़्यादा कम टाइम लग रहा है तो 2 वीक्स में, महीने में 2 बार आप कर सकते हैं। उसके बाद मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, और मैं रोज़ वाटर एक बार अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे कर दूंगी, तो डेफिनेटली ग्लो मुझे नज़र आ रहा है। अब अगर आप ये स्किन केयर जो है अगर आप सुबह कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूर है, अगर आप कॉलेज जाते हो, 4-5 घंटे के लिए बाहर हो, 6 घंटे के लिए बाहर हो, तो ये एवरयूथ का सनब्लॉक लोशन है, दिस इज विद SPF 50, तो ये आप बिल्कुल मॉइस्चराइजर के साथ थोड़ा सा लेकर इस तरह से अपने हैंड्स पे ये ज़रूर लगाएं। मतलब ये मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब क्यों बोल रही, बट पता नहीं, बट आपको सनस्क्रीन लोशन, टीनेजर्स बोलते हैं अरे नहीं ये तो मेकअप का एक पार्ट है, नहीं, सनस्क्रीन लगाना इज अ मस्ट मस्ट मस्ट, मैं कितना भी बोल लूँ, और अभी मैं पूरी वाइट हो गई हूँ। और नेक एरिया मत भूलिए, नेक पे जरूर लगाना है, ईयर्स पे लगाना है, इवन बॉडी सनस्क्रीन भी आता है, बॉडी सनस्क्रीन भी लगाना है, इसको अच्छे से आप लगा लीजिए, रात में लगाने की जरूरत नहीं है। नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन अगर आप कहेंगे तो नीचे लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं शेयर करूंगी। दैट्स इट, ये मैंने सनस्क्रीन लगा लिया, मैं बाहर जाऊंगी तो सनरेज के साथ मैं डिशुम कर सकती हूँ। तो इनमें से कोई भी आप अगर सामान लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी, purple.com पे एक्सक्लूसिवली आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 10% JSuperKaur का ऑफ मिलेगा। साथ में ये जो एक और बढ़िया वाली स्कीम दिखा रही हूँ जो मैंने अभी अभी देखी है, आप लोगों से मतलब बताना बनता ही बनता है, ये एवरयूथ का जो मैंने सनस्क्रीन बताया 50 वाला, SPF 50 वाला, ये 180 रुपीज़ का है, आप डिस्काउंट वगैरह करवा के अप टू 25 का मतलब आप जानते होंगे, और साथ में 10% तो मेरा डिस्काउंट है, साथ में आपको पता है फ्री क्या मिल रहा है, अगर आप ये वाला सनस्क्रीन लेते हो, सनब्लॉक लोशन SPF 50 वाला, तो आपको साथ में ये एवर यूथ का जो मैंने नीम पपाया एक्सफोलिएटिंग स्क्रब बताया, ये आपको मुफ्त ये फ्री मिलेगा। तो 180 रुपये में आपको ये चीज़ भी फ्री मिल रही है, मतलब सनस्क्रीन भी है और आपका जो क्लीनिंग वाला, क्लेंजिंग टोनिंग वाली रूटीन है वो भी हो जाएगी, साथ में 45 रुपीज का आप ये एवरयूथ का ये पील ऑफ ले सकते हैं गोल्डन ग्लो वाला। तो टोटल अगर मिलाएं तो 8×4×12 अराउंड 200-225 रुपए में आपकी 2 महीने की स्किन केयर रूटीन, बहुत 1 से 1.5 महीने की स्किन केयर रूटीन बहुत बढ़िया हो गई। तो लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी, नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मुझे लाइक्स
और मेन मुझे कमेंट्स बहुत सारे चाहिए. जितना ज्यादा कमेंट्स करेंगे उतना ज्यादा मुझे पता चलेगा. और टीनेजर्स के लिए और भी वीडियो लेकर आऊंगी, पिंपल्स या कुछ भी है. और इस टाइम पे मुझे अपनी स्किन अच्छी लग रही है. नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल.